दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके, और इस रेड वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब्ड हो जाएं, और बेल आइकन आएगी उसे भी दबा देना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, विशाल सबका स्वागत करता हूँ अभी के चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाए करे जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें। तो दोस्तों, आज की जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। क्यों अमेजिंग है, उसके लिए वीडियो को आपको एंड तक देखना, ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है। इस एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है काइन मास्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इवन मैं भी करता हूँ। लेकिन दोस्तों, काइन मास्टर में ये है कि वो आपको फ्री वर्जन प्रोवाइड नहीं कराता, उसके लिए आपको पे करना ही पड़ता है। कुछ लोग उसका सीक्रेट हैक यूज़ करके उसे फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब उसका कोई यूज़ नहीं है। आप अगर जाएंगे गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको कितना भी ट्राई कर लें उसका फ्री वर्जन नहीं मिल पाता है। अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। जैसे ही वो अपडेट होगा वो फिर से आपका पेड वर्जन के लिए बोलेगा। पेड वर्जन में आपको ज़्यादा तो वैसे कुछ नहीं, लेकिन उनका वाटरमार्क ज़रूर आता है। अब आप उस वाटरमार्क भी आपको नहीं चाहिए और आप पे भी नहीं करना चाहते, तो मैं आपके लिए एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन लेके आया हूँ जिस एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन को खोल लेना है। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, ज़रा सा भी दिक्कत नहीं देगी। आजकल एडिटिंग के लिए मैं यही एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को खोलेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। एक बात बता देता हूँ, ये एप्लीकेशन पूरी तरीके से फ्री है और आप इसे अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और क्वालिटी वगैरह सब अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को खोलते हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, प्लस के साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, दो प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ओके, तो जैसे ही मैं किसी भी प्रोजेक्ट को खोलूँगा तो यहाँ पे आप उस पर क्लिक कर लूँगा। मैं जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं वीडियो डाल के, नीचे ऑप्शन है, यहाँ पे ऑडियो के लिए ऑप्शन है, टेक्स्ट के लिए ऑप्शन है, इमेज के लिए ऑप्शन है, वीडियो के लिए ऑप्शन है, और यहाँ पे साउंड के लिए ऑप्शन है। ओके, नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे इनका फीचर है, जैसे कि फ़िल्टर, स्पीड, ट्रिम, जो भी चीज़ को आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग नीचे आपको सेटिंग देखने को मिल जाएगी। ऊपर से आप रेजोल्यूशन भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे 9:16 का चाहिए, 4:5 का चाहिए, 1:1 का चाहिए, जैसा कि आपको काइन मास्टर में देखने को मिलता था। ओके, इसके अलावा जहाँ पे आप, अगर आप एप्लीकेशन को अपनी को जो भी आप वीडियो अगर बना रहे हैं वो आपको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो आप ऊपर से जाके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट ओरिजिनल चाहिए या फिर रिजोल्यूशन आपका कैसा चाहिए, 4K में चाहिए, फ्रीक्वेंसी पर स्पीड क्या चाहिए आपको, यानी कि FPS, और या फिर बिटरेट क्या रहना चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो अच्छी एप्लीकेशन है, यूज़ करके एक बार देखिएगा और बताइएगा ये एप्लीकेशन आपको कैसी लगी। डेफिनेटली अच्छी लगेगी, ये एप्लीकेशन फ्री में है, तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी लगी हुई एप्लीकेशन तो ज़रूर इसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बहुत जल्द मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अमेजिंग टिप्स, ट्रिक्स और नई नई वीडियोज़ में नई नई ऐप्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।